शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 23/4/12 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग सेवा के प्रति और सर्व के कल्याण के प्रति, क्योंकि हमारे मीठे मीठे बाप दादा भी सर्व के कल्याण की ही सदा मन वचन कर्म से सेवा करते रहे, और इसलिए हम बच्चों को भी आप समान बनाना चाहते हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलने चाहिए। तो बुद्धि को बिजी करने का भी ये एक साधन है सेवा। सेवा के प्लान्स सोचते रहेंगे, सेवा के विषय में सोचते रहेंगे तो हमारी बुद्धि भी व्यस्त रहेगी। तो बुद्धि व्यस्त होगी सेवा में तो गलत बातों के तरफ नहीं जाएगी। तुम्हें सबका कल्याण करना है क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी। सोचो, बहुत बड़ा टाइटल है, अंधों की लाठी। अब कल्पना कीजिए, कोई रास्ते चला जा रहा है और ट्रैफिक है और दोनों तरफ से गाड़ियां इतनी तीव्र गति से आ रही हैं और उसको रास्ता क्रॉस करना है। वो इंतजार करता है, कई घड़ियां बीतती है, वो बेचारा क्रॉस नहीं कर पाता। और उस समय यदि हमने उसको हाथ पकड़कर और क्रॉस करा दिया तो वो कितनी आत्मा दुआ देगी। बस यही काम हमें करना है कि हमें अज्ञान के अंधकार में जो भटक रही हैं, जो ज्ञान से अंधी हैं, उन्हें हमें ज्ञान का नेत्र दे, ज्ञान की लाठी देकर, प्रभु का साथ देकर, और हमें उन्हें सही रास्ते पर ले जाना है। प्रश्न है आज का, ऊंच पद पाने के लिए कौन सी धारणा चाहिए। उत्तर है, अब 5 बातें बाबा ने बताई है, आप नोट करते चले जाएंगे। ऊंच पद तब मिलेगा जब अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर पूरा पूरा कंट्रोल होगा। नंबर 2, अगर हमारी कर्मेंद्रियां वश में नहीं तो भी हम नहीं कर पाएंगे। फिर 3, बहुत अधिक तमन्नाएं अगर हैं तो कर्मेंद्रियां क्या होंगी, चंचल रहेंगी, हलचल में आएंगी। तो इसीलिए अधिक तमन्नाएं भी नहीं रखनी है, अर्थात इच्छाएं हमें नहीं रखनी है। फिर बाबा कहते हैं 4 बात, हवच माना लालच, लोभ वृत्ति। लालच है तो ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। फिर बाबा 5 बात बताते हैं कि ऊंच पद पाने के लिए माया रावण को या मनुष्यों को, जो रावण की मत पर चलने वाले हैं, उनको फॉलो नहीं करना है। तो किसको फॉलो करना है? बाबा कहते हैं मात पिता को फॉलो करो। और फिर 6 बात बाबा बताते हैं, कर्मेंद्रिय जीत बनो। जो भी सुख्यम स्थिर हमारी कर्मेंद्रियां हैं, उनके ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी है। गीत भी वही बजा है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। धारणा के लिए सार है, कोई भी विनाशी तमन्नाएं नहीं रखनी है। सोचना है कि मैंने जो इच्छा रखी वो कुछ समय के बाद नाश हो जाएंगी या अविनाशी रूप से रहेंगी, और फिर वैसी इच्छा करनी है। अपना और सर्व का कल्याण करना है। नंबर 2, देह सहित सब कुछ भूल कर कहाँ चलना है? वापस घर चलना है। इसलिए चेक करना है कि मेरी बुद्धि कहीं पर भी अटकी हुई न हो, एक बाबा में ही अटकी हुई हो, लटकी हुई हो। वरदान है, विकारों रूपी सांपों को स्नैक्स, नाग सांपों को गले की माला बना देने वाले सच्चे सच्चे तपस्वी भव।
भारत के अंदर शंकर देवता को बहुत मानते हैं और उसको शिव मानते हैं। तो शंकर देवता के गले में सांप माला की तरह पड़ा रहता है। तो बाबा कहते हैं ये पांच विकारों का सांप है, ये पांच विकार लोगों के लिए जहरीले सांप है, लेकिन आप योगी तपस्वी आत्माओं के लिए सांप गले की माला बन जाते हैं। इसलिए आप ब्राह्मणों के और ब्रह्मा बाबा के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप के यादगार में सांपों की माला गले में दिखाते हैं। अर्थात हमने विषय विकारों पर विजय प्राप्त की तो वही विकारों की माला हमारे गले में पड़ी। सांप आपके लिए खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। कृष्ण के लिए बताते हैं ना काली ये दमन, तो जब काली नाग को उसने जीता तो वो उसके ऊपर उसकी फणा के ऊपर डांस करने लगे, तो ये अधीनता की निशानी दिखाई दिया है। स्थिति ही स्टेज है। तो बाबा कहते हैं ऐसी विजयी स्थिति हम जो बनाते हैं ना, ये हमारी स्टेज है जिसके ऊपर हम खुशी से नाचते रहते हैं। तो जब विकारों पर इतनी विजय हो तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। स्लोगन है, पुराने संसार व संस्कारों से मरना ही, यानी उन पर विजय प्राप्त करना ही जीते जी मरना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।